यूथ और टीवी इंडस्ट्री में कई सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो अपने करियर को लेकर हमेशा सीरियस रहती हैं और कभी कोई समझौता नहीं करना चाहती, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि टीवी की इन्हीं एक्ट्रेसेस में कुछ एक्ट्रेस ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने करियर को ज्यादा मायने ना रखते हुए अपनी फैमिली के लिए अपना करियर बर्बाद किया है और आज वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रही है। तो आखिरकार कौन कौन सी है वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए अपना करियर कुर्बान किया है, आइए मिलते हैं उनसे। नंबर वन, दिशा वकानी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया बेन यानी कि दिशा वकानी ने इस शो से इतनी शोहरत हासिल करने के बाद भी अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए शो हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उनके आने की आस आज भी दुनिया भर ने उनसे लगा रखी है, पर वो तो आज अपने बच्चे और परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीना पसंद कर रही है। नंबर टू, कांची कौल। टीवी एक्ट्रेस कांची कौल ने उस वक्त अपना करियर कुर्बान किया था जब वो साल 2014 में अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी, जिसे जन्म देने के बाद ये फरवरी साल 2015 में दोबारा प्रेग्नेंट हुई और फिर हमेशा के लिए टीवी से दूर हो गयी। इसलिए आज वो इस समय अपना सारा टाइम अपने बच्चों और फैमिली को देती है। नंबर थ्री, सौम्या टंडन। भाभी जी घर पर है सीरियल से सौम्या टंडन ने खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। इस सीरियल में उन्होंने गोरी मैम का किरदार निभाया था। हालांकि सौम्या ने अपने बेटे को जन्म देने के बाद एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली। नंबर फोर, मोहिना कुमारी। आखिरी बार ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में नजर आई एक्ट्रेस मोहिना कुमारी को इस शो से घर घर पहचान मिली थी, पर ये अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी होने के चलते शो के बीच से ही गायब हो गई थी और उसके बाद ये लाइमलाइट में कभी नजर नहीं आई। लेकिन आज ये अपने पति और परिवार के साथ शादीशुदा जिंदगी के मजे ले रही है। नंबर फाइव, मिहिका वर्मा। ये है मोहब्बते सीरियल में दिव्यांका त्रिपाठी की छोटी बहन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मिहिका वर्मा ने अचानक शो को अलविदा कह दिया था। वहीं शो छोड़ने के कुछ समय बाद ही इनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी, जिसके बाद पता चला कि इन्होंने शादी होने की वजह से शो को अलविदा कहा था, इसलिए अब ये अमेरिका शिफ्ट हो गई है और इन दिनों वो अपने हस्बैंड के साथ मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही है। नंबर सिक्स, नेहा मर्दा। बालिका वधु सीरियल आनंद की आदर्श चाची बनकर नेहा मर्दा ने खूब फेम हासिल किया था, पर शो को बीच में ही छोड़कर इन्होंने साल 2012 में शादी कर ली थी और फिर ये साल 2016 में डोली अरमानो की सीरियल में दोबारा पर्दे पर नजर आए। नंबर सेवन, एकता कौल। टेलीविजन पॉपुलर एक्ट्रेस एकता कौल रब से सोना इश्क से लाइमलाइट में आई थी। इसके बाद वो शो मेरे अंगने में नजर आई थी, फिर अचानक एकता ने शो को अलविदा कह दिया और कुछ दिनों बाद इन्होंने अभिनेता सुमित व्यास से शादी कर ली। नंबर एट, रुचा हसबनीस। साथ निभाना साथिया सीरियल की राशि बेन यानी कि रुचा हसबनीस के शो से एग्जिट लेने पर हर किसी की आंखें नम थी, पर अचानक साल 2015 में शादी कर इन्होंने सभी को चौंका दिया था, जिसके बाद पता चला कि ये शादीशुदा होकर विदेश में सेटल हो गई है और खुशहाल जिंदगी बिता रही है। नंबर नाइन, श्वेता केशवानी। कहानी घर घर की और किस देश में निकला होगा मेरा चांद शो में नजर आ चुकी एक्ट्रेस श्वेता केशवानी लंबे टाइम से टेलीविजन से दूर है और अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क में रह रही है। नंबर टेन, पंछी बोरा। पंछी बोरा को जय भानुशाली के अपोजिट टीवी शो कयामत में देखा गया था, जिसके बाद ये शादी के बंधन में बंध गई थी और उन्होंने भी शादी के बाद अपनी फैमिली के लिए इंडस्ट्री छोड़ दी थी। तो दोस्तों, क्या इन एक्ट्रेसेस ने फैमिली के लिए अपना करियर कुर्बान करके ठीक किया? आप हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।